हाँ उसमें ए और बी वाले मेरे पास प्रश्न। पार्टिकल एज प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट एज, यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम शोन इन फिगर इज, जब इसको प्रोजेक्ट करेगा तो जनरल टाइम टी के बाद इसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थ्री आएगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जी टी हो जाएगा, तो नेट वेलोसिटी ऐसे होगा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ये ग्राफ का वाई है और ये ग्राफ का एक्स स्क्वायर है। हमारा आया वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ पैराबोला होता है। और क्या डाउट है? तो C16 भी की जाना। C16 तो सर रीड कर दो। C9 रीड कर दो क्वेश्चन। सर ये वही है जो PDF वही क्वेश्चन है जो आपने भेजा है व्हाट्सएप पर। अ स्मॉल मास स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन। नहीं सर आपने दूसरा PDF भेजा हुआ है, इसमें C9 है रिटार्डिंग। मेरा मैंने वो मैंने फिर वो पीडीएफ अभी मेरे पास भी टैब में नहीं है मेरे पास। क्या रिटार्डिंग फोर्स? हाँ इट अप्लाइड टू स्ट्रॉन्ग ट्रेन, वही है सेम कि एक ट्रेन है इसका स्पीड यू है, इस पे हमने रिटार्डिंग फोर्स लगाया तो ये फिर रुक गया, ये 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके रुका। अब इसका स्पीड को हमने डबल कर दिया, सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाया, पूछा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा, यहाँ पे वर्क फंक्शन लगा देंगे, यहाँ पे वर्क लगा माइनस एफ इनटू एक्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है, यहाँ पे वर्क देना है एक्स डैश इज इक्वल टू फाइनल जीरो है इनिशियल हाफ एम वेलोसिटी डबल है तो 4u2, इसको डिवाइड कर दो। बेसिकली 4 टाइम्स हो जाएगा। तो सर C12 भी है। C12 अच्छा नहीं दूसरा मतलब ए स्मॉल मास स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। हां हां मिल गया मिल गया। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक ब्लॉक नीचे स्लाइड होना स्टार्ट हुआ और बाद में भी जाके रुक गया, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है वो है म्यू नॉट इनटू एक्स जो कि वेरिएबल है। पूछा है कि रुक जाएगा कर रहा है फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है, ये kf माइनस ki के इक्वल होगा, mg का वर्क डन हो जाएगा mg sin थीटा us, फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं आएगा और वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करेंगे और होगा म्यू mg cos थीटा into dx, इसको जीरो से s तक इंटीग्रेट करेंगे, फाइनल भी जीरो है इनिशियल भी जीरो है, ठीक है सर यहां से ऐसा आ जाएगा। और वो सर एक C16 है फिर क्वेश्चन रीड कर दो। सर ये बॉडी ऑफ मास 4 केजी मूव्स अंडर एक्शन ऑफ सर ओलंपियाड स्टेज 1 करके है क्वेश्चन। फोर्स इतना है, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, बस इनके फोर्स अप्लाई किया तो वर्क डन कितना होगा,
तो फोर्स इतना है, तो एक्सलेशन जो होगा वो मास से डिवाइड करके आएगा, फोर्स बाय मास। मास 4 kg दिया हुआ है तो एक्सलेशन इतना आएगा। एक्सलेशन को हम लोग लिख देंगे डीवी बाय डीटी, डीटी को यहां ले आएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो डीवी आ जाएगा डीटी आई कैप 3t² डीटी जे कैप, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। फाइनल वेलोसिटी को v मान लेते हैं। इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम 1 है। इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम 1 है। तो यहां से हमारा v आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2i कैप j कैप प्लस 2k कैप, प्लस ये इंटीग्रेशन 1i कैप हो जाएगा, प्लस ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1j कैप। तो ये आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये फाइनल वेलोसिटी आ गया। फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका वो कर देंगे अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 4 17। और इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 1 3। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गया। अब वर्क डन पूछा है तो वर्क एनर्जी चलो हम लगा देंगे, वर्क डन होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कुछ गड़बड़ हुआ, 7-3 कितना होता है? हाँ 9 होगा यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा? 8। इसमें जो वर्क डन पूछा है वो F का नहीं, मतलब पूरे पूरे बॉडी पे कितना वर्क हो रहा है वो पूछा है ना, तो इसमें मतलब mg का भी mg नहीं कंसीडर करेंगे? नहीं mg mg नहीं लग रहा है, क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला। क्वेश्चन बोले कि बॉडी में ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से वो मूव कर रहा है। अच्छा ठीक है, और कोई दूसरा फोर्स? सर C13 भी बता देना। क्वेश्चन रीड कर दो। ए टॉय कार ऑफ मास 5 kg स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट। मिल गया ठीक है ठीक है ठीक है। ये टॉय कार है, ये यहां से यहां तक गया, इसका मास 5 kg। इनिशियली ये रुका हुआ था और मैक्सिमम हाइट पे भी ये रुका हुआ रहेगा, तो फिर से वर्क एनर्जी से लगा देंगे। इस पे एम जी वर्क डन कर रहा है, फोर्स वर्क डन कर रहा है, के एफ माइनस के आई के इक्वल होगा। ये हाइट को एच मान लेते हैं, तो एम जी का वर्क डन होगा वाई मैक्स है ये हाइट वाई मैक्स, तो एम जी का वर्क डन होगा माइनस एम जी इंटू वाई मैक्स। फोर्स है वो रेजिस्टिव नहीं, फोर्स फोर है, तो फोर्स का वर्क डन ना इस ग्राफ का एरिया से आएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है। तो इस ग्राफ का एरिया होगा हाफ बेस और हाइट, और फाइनल इनिशियल कंडीशन दोनों जीरो है, यहां से वाई मैक्स आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अगर तुम लोगों को वर्क डन निकालना अच्छे से आता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो हम से सॉल्व हो जाते हैं। नहीं हो रहा है मतलब कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा दिक्कत है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। D7 क्वेश्चन रीड कर दो, सब ये लोग उधर होके रखा है। वेज ऑफ कैपिटल एम फिटेड विद क्या क्या, एक बार वापस रीड करो।
विजडम नहीं, ये क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, ये मुझे व्हाट्सएप कर दो। अच्छा सर, D13 बता दिए, टू इक्वल मासेस आर अटैच्ड टू टू इंच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। एक सेकंड, सिर्फ पहला दो तीन वर्ड लिख के देखो, बस उतना बहुत है। ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी व्हाट्सएप कर दो। ओके सर, व्हाट्सएप पे जो आपने ग्रुप पे पीडीएफ भेजा वहां वाली वर्क फॉर एनर्जी वाली शीट देखिए, उसमें है सारे क्वेश्चंस। हां वो अब मेरे पास नहीं है, आप मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को ढूंढने में बहुत टाइम चला जाएगा। अच्छा ओके सर, इसमें D7 पूछ रहा ना, एक वेज है, रॉड है। इसमें डाउट है ना किसी को? इसमें पहले ना ये सब इक्विलिब्रियम में है, अब सब इक्विलिब्रियम में है तो पहले हम लोग रॉड को सिस्टम मानते हैं। अब रॉड को सिस्टम मानेंगे तो रॉड में एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और नॉर्मल ऐसे लगेगा, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, तो नॉर्मल का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा एन कॉस थीटा। अब क्योंकि ये रॉड इक्विलिब्रियम है तो इसे वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो होना चाहिए, तो एन कॉस थीटा को एम जी के इक्वल होना पड़ेगा, तो यहां से एन आ जाएगा एम बाय कॉस थीटा। यहां पे मैं क्या किया, रॉड को सिस्टम माना, उसका एमबीडी बनाया, एम जी और नॉर्मल लगा, वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैंक कर दिया, तो मेरा एन आ गया। अब मैं वेज को सिस्टम मानता हूं, वेज पे फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, अब फिर से इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा वेज में एन साइन थीटा, वेज में एक्स डायरेक्शन में स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा के एक्स। अब वेज में एक्स डायरेक्शन में सिर्फ ये फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल का कंपोनेंट आ रहा है और स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, अब वेज क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो उसका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो के एक्स को एन साइन थीटा के इक्वल होना पड़ेगा, एन को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां से हमारा x आ जाएगा। अब x आते ही स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे हम, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई टू के। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले मैंने रॉड को सिस्टम माना, रॉड का एबीडी बनाया और उसमें वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस किया, उससे नॉर्मल आ गया। फिर मैंने वेज को सिस्टम माना, वेज का एबीडी बनाया और उसका एक्स डायरेक्शन का फोर्स को बैलेंस किया, उससे स्प्रिंग फोर्स आ गया, तो स्प्रिंग का एलोंगेशन आ गया, और स्प्रिंग का एलोंगेशन आते स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। सर उसका D11 भी है। हाँ D11 भी बता रहा हूँ मैं। सर D11 और D13 WhatsApp पे भेजा है। हाँ एक सेकंड रुको, पहले मेरे को इसको बताने दो। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, मैं एक रॉड है जिसका मास है M, लेंथ है L, और फिर ये ऐसे यहाँ पे हिंज्ड है, अब हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स की वजह से स्लोली इसको हम ऐसे रेज कर रहे हैं, लास्ट में ये 60 डिग्री में आ जाता है।
तो पूछा कि ये फोर्स का वर्क डन कितना होगा। अब फिर से यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे फोर्स वर्क डन कर रहा है, एमजी वर्क डन कर रहा है, ये के एफ माइनस के आई के इक्वल होगा। फोर्स का वर्क हमें निकालना है, एमजी का वर्क डन होगा माइनस एमजी। अब जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना वो सेंटर ऑफ मास का लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास ना पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे पहुंच गया। ये डिस्टेंस एल बाई टू है क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। अब ये डिस्टेंस एल बाई टू है तो ये डिस्टेंस होगा एल बाई टू कॉस 60, और ये पूरा डिस्टेंस एल बाई टू है। सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये कितना रेज हुआ, L by 2, 1 minus cos 60, मतलब ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हुआ है L by 2, 1 minus cos 60। KF भी जीरो है, KI भी जीरो है क्योंकि स्लोली मूव कर रहा है, यहां से F का वर्क डन आ जाएगा। सर और कोई दूसरा मेथड नहीं है सर, वैसे भी तो कर सकते हैं ना, तो एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा यू से काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के जीरो है। हाँ वही मैं बोलने वाला था, इसका दूसरा मेथड हुआ है वही, इसका फर्क नहीं पड़ रहा उसमें क्या होगा, ये चीज वहां जाके पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, यही इक्वेशन बनेगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इसको डेल्टा यू, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बड़ा, वो इतना ही बड़ा एम जी एच, एच मतलब वही एल बाई टू वन माइनस कॉस 60, इसे फोर्स का वर्क डन आ जाएगा। और क्या बोल रहे हो, D13 सर। D13 किसका, ये जो अभी जो पीडीएफ अभी मेरे को पिक भेजा क्या तुमने, नया पिक भेजा उसका? हाँ सर। कौन सा वाला, D13 यही है क्या, टू इक्वल मास वाला? हाँ सर। टू इक्वल मास एम एन एम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, मास को सिमेट्रिकली पुल्ड आउट किया टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय लेंथ एल। ये स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ पे था, फिर इसको एक्स एलोंगेट कर दिया। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ईच मास ड्यूरिंग अबोव प्रोसेस स्ट्रेचिंग इज, तो यहाँ पे ना स्प्रिंग को जब एलोंगेट करेंगे तो स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा, यू आई माइनस यू एफ जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये जो स्प्रिंग वर्क डन ना ये इस ब्लॉक पे भी कर रहा है, इस ब्लॉक पे है, दोनों का मास सेम है, तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी सेम होगा, दोनों में स्प्रिंग फोर्स भी सेम लग रहा है, तो स्प्रिंग दोनों पे वर्क डन भी सेम करेगा। अब स्प्रिंग ने टोटल वर्क डन इतना किया, दोनों पे मिला के इतना वर्क डन किया, तो दोनों पे इक्वल वर्क डन कर रहा है, तो एक पे वर्क डन कितना कर रहा होगा, माइनस इसका आ रहा, तो मतलब एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x by 2। हाँ ठीक है। फिर सीधा फॉर्मूले में रखेंगे तो अलग आ जाएगा ना, कौन से फॉर्मूले में रखोगे, हाफ के एक्स मतलब अगर, नहीं नहीं सर ठीक है ठीक है। विभूति कौन सा लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला? Thank you.
और किसी को कोई डाउट है पार्ट टू सर? एफ टेन एफ टेन वेट कर दो. The force acting on the body moving along x-axis varies with position of particle as shown in figure. Okay. ये मैंने एक भी पढ़ा दिया था ना? हाँ सर. मैंने पढ़ाया था ये. यहाँ पे net force zero लग रहा है. यहाँ पे आओगे तो force positive लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है. यहाँ पे आओगे तो फोर्स नेगेटिव लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है. यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो है. यहाँ पे आओगे तो फोर्स नेगेटिव लग रहा है ऐसे. यहाँ पे आओगे तो फोर्स पॉजिटिव लग रहा है ऐसे. तो ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और ये वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. Sir, F11 be the potential energy of the system. ये मैंने पढ़ाया था शायद से. पढ़ाया कि नहीं पूछ बताओ तो. ये शायद से नहीं पढ़ाया कि फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, माइनस डेल यू बाई. पढ़ाया तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है. तो यहाँ पे जो डी यू बाई डी एक्स है, एक तो कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव है. तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा. यहाँ पे देखो डी यू बाई डी एक्स जीरो है, तो यहाँ का फोर्स जीरो होगा. तो फोर्स का ग्राफ कैसा होगा? यहाँ से यहाँ तक फोर्स नेगेटिव है और कॉन्स्टेंट है. तो यहाँ से यहाँ तक का फोर्स जीरो है. एक बार ये सब देखो और याद करो, समझो, याद करो मैंने लास्ट टाइम क्या क्या बताया था. मुझे बताओ सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होता है कि नहीं?
सेंट्रीपेटल एक्शन नहीं, जो मेरा पूछो मोशन जब वी स्क्वायर बार नहीं होता सर, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर होता है? नहीं सर, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन ये है कि ये मिला के है, मिला कर है वो मिला के है सर। तो जनरलाइज करेंगे तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होता है कि अलोंग टेंजेंट होता है कि ऐसे मतलब ऐसे होता है रिजल्टेंट टुवर्ड सेंटर अलोंग टेंजेंट रिजल्टेंट। नेक्स्ट टाइम मत बोलना कि सर्कुलर मोशन टुवर्ड सेंटर होगा, ठीक है सर? नहीं होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय एल होगा, नहीं होता है, ठीक है? सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन ऐसे होता है, इसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक तो ये वाला, इस कंपोनेंट को हम बस एक नया नाम दे देते हैं, नाम क्या है? सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। और एक्सेलरेशन का ये वाले कंपोनेंट को हम क्या बोल देते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और सर दोनों का फॉर्मूला याद रखना, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होता है या फिर ओमेगा स्क्वायर आर होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो डीवी बाय डीटी है, यहाँ पे वी है और वो अल्फा आर भी हो जाता है ना। सर्कुलर मोशन में कैसा भी सर्कुलर मोशन ले लो, कभी भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो सकता है, कभी भी सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कभी भी कांस्टेंट हो सकता है? नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होगा, इंफ्लेक्शन क्यों नहीं होगा? डायरेक्ट अच्छा नहीं, एक मिनट। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि वी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वी कांस्टेंट है, तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो कांस्टेंट होगा, बट देखो अलग अलग इंस्टेंट पे इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होते रहता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है फिर वो वेरिएबल है, वो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, भले मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट हो बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। सिमिलरली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये टर्म कितना होगा? स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है तो ये टर्म कितना हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा कि जीरो हो जाएगा? जीरो, जीरो हो जाएगा ना? अच्छा जीरो होगा। अब वही, अब कोई भी सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है। और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो सकता है? नहीं। तो सर्कुलर मोशन में कैसा भी सर्कुलर मोशन ले लो, कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है? नहीं। तो सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन हमेशा वैरी होता है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है? हाँ, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है। अब ना एक चीज याद रखना, एक ऑब्जेक्ट है उसका वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसके पास एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ही है, वैसे जा रहा है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका वेलोसिटी का चेंज होगा कि इस एक्सेलरेशन की वजह से? नहीं। और मैग्नीट्यूड चेंज होगा? हाँ।
तो अगर याद रखना, अगर एंगल वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब अलोंग होता है, तो एक्सेलेरेशन जो है ना वो वेलोसिटी का सिर्फ क्या चेंज करता है, मैग्नेटिक डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, याद रखना इसको। अब अगर इसके पास एक्सेलेरेशन हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, हर इंस्टेंट पे, तो ये एक्सेलेरेशन ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा क्या? नहीं। और डायरेक्शन? हाँ। तो एक्सेलेरेशन अगर हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो एक्सेलेरेशन याद रखना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, ठीक है, ये भी याद रखना। अब वेलोसिटी ऐसे है, इसके पास एक्सेलरेशन ऐसे है, अब ये एक्सेलरेशन इसका क्या चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के दोनों? दोनों। ये एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी के पैरेलल, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के पैरेलल, ये वाला कंपोनेंट क्या चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड, और ये वाला कंपोनेंट क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो याद रखना एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट क्या चेंज करता है, ये कॉपी कर लो। सर हो गया, एक क्वेश्चन करते हैं। एक पार्टिकल है सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर और जो उसका स्पीड है वो है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लोगों को बताना है कि एट इक्वल टू 1 सेकेंड इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में बता देना। एट रूट टू होगा। एट रूट टू गलत आंसर है, ना तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा। अच्छा 64 और 16 का अंडर रूट है, रूट 80 है ना सर। रूट 80 को थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके बोल सकते हैं, जैसे हमने 8 रूट 2 बोला था। हाँ मतलब वही 2 और उसको बाहर निकल के। Thank you.
बाकी लोग आंसर बताओ क्या आएगा, सबका आ गया? हाँ सर, रूट 80 आया। रूट 80 कैसे आएगा? वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक तो सेंट्रिपिटल और एक टेंजेंशियल। पहले टेंजेंशियल निकाल लेते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड का डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसको वेलोसिटी भी बोलूंगा तो ये चीज जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है कि डायरेक्शन है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। तो फिर ये स्पीड ही है कि नहीं? अच्छा, स्पीड है सिर्फ। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बेसिकली स्पीड होता है, ये स्पीड है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 4। ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। फिर हम लोग ये दूसरा वाला एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, इसको कहते हैं हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ये होता है वी स्क्वायर बाय आर। वी का वैल्यू टी इक्वल टू 1 सेकंड में निकालना है तो यहां पे 1 डाल देंगे तो वी का वैल्यू 4 आ जाएगा। आर दिया हुआ है 2 है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 16/2 दैट इज 8। अब ये 8 आ जाएगा। तो अब मैंने एक्सेलरेशन पूछा, एक्सेलरेशन ना ही ये है ना ही ये है, ये सब एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है। प्रॉपर एक्सेलरेशन कौन है? ये इसका रिजल्टेंट। वो कितना आ जाएगा? इसका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8² + 4² ये आ जाएगा 4√5 रूट 80। अंदर आ गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब बेसिकली न्यूटन्स लॉ और कुछ नहीं है, ठीक है? तो एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके एफबीडी पे कोई एफबीडी में कोई नया फोर्स लगेगा क्या? एक ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके एफबीडी में कोई नया फोर्स लगेगा क्या? जैसे एमजी लग रहा है तो लगा देंगे हम, नॉर्मल लगा तो लगा देंगे, टेंशन लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो लगा देंगे, ये सब तो लग रहा है तो हम लगा देंगे, ये सब पुराना फोर्स हमने पढ़ रखा है। कोई भी नया फोर्स आएगा? हाँ, क्या कौन सा फोर्स आएगा? सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल के बारे में पता है ना? वो एक्चुअल में फोर्स है कि सुडो फोर्स है? सुडो फोर्स। सुडो फोर्स है। सुडो फोर्स है। सुनाई नहीं दिया आपने, क्या बोला? ग्राउंड के फ्रेम में अगर हम सॉल्व करेंगे तो कभी सुडो फोर्स लगाएंगे? नहीं सर, नहीं लगाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा क्या? हम ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करें कुछ सर, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। F net is equal to ma, Newton's second law। ये जो F net है ना, ये force है क्या? मतलब ये सारे forces का sum है, तो ये force है कि नहीं? हाँ sir। Actually में force भी नहीं है, ये सारे forces का sum है, ठीक है? Sum of all the forces। एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है, ये है सारे फोर्सेस का सम।
और ये m into a ये फोर्स है क्या कि ये मास इनटू एक्सेलरेशन है? m into a फोर्स है, m into a फोर्स नहीं है, ये क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन है, कोई फोर्स नहीं है, m में कोई फोर्स नहीं होता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है इस पे फोर्स एफ लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मास है m है, तो x डायरेक्शन में इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है? x डायरेक्शन में इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है? MA. नेट फोर्स MA लग रहा है कि F लग रहा है? F लग रहा है। नेट फोर्स का क्या होता है कि सारी फोर्सेस का सम, इस पे फोर्स सिर्फ F लग रहा है, तो सारी फोर्सेस का सम कितना आ रहा है? F आ रहा है। हाँ, ये नेट फोर्स इसके इक्वल होगा MA के। ये MA फोर्स है क्या? नहीं, MA फोर्स नहीं है, ये फोर्स है, ये नेट फोर्स है, ये MA इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, ये फोर्स नहीं होता है, ठीक है? अब ना सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सिर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, कितना होता है? वी स्क्वायर बाय आर। तो सेंटर के डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा, ये नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? MA के। A की जगह क्या डाल देंगे हम? V square by R। ये जो MV square by R है, ये कोई फोर्स है कि MA है? फोर्स है कि MA है? MA है। MA है, तो MV square by R कोई फोर्स नहीं होता है। बट ये जो MV square by R है, ये किसी फोर्स के इक्वल है कि सारे फोर्सेस के सम के इक्वल है? सम के इक्वल है। बट एमवी का खुद फोर्स होता है क्या? नहीं सर। तो ना जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है ना, उसमें कोई नया फोर्स नहीं आता, वही पुराना फोर्स आता है, एमजी, नॉर्मल टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, और जो भी हमने पढ़ रखा है वो सब भी पुराना फोर्स आता है, कोई नया फोर्स नहीं आता, ठीक है? अब प्रॉब्लम मोशन कर रहा है, इसका हम एफबीडी बना रहा है, तो इस पे कुछ भी फोर्स आ सकता है, इनमें से पुराने जितने भी फोर्स हमने पढ़े थे उनमें से कुछ भी, वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, ऐसे 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 आ सकता है, अंदर आ सकता है, बाहर आ सकता है, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, हम इसका एफबीडी बना रहे हैं। MBD में हमने इस पे जो भी फोर्स लग रहा है सब दिखा दिया, और सब वही पुराने फोर्स जो हम पहले दिखाते थे। अब इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इस ऑब्जेक्ट के पास ना अंदर बाहर के डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है? अंदर बाहर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस स्क्रीन के अंदर के डायरेक्शन में इसके पास कितना एक्सेलरेशन है? सर जी होगा क्या? ये ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है क्या? नहीं सर। नहीं जा रहा है, तो फिर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा अंदर की तरफ? जीरो। जीरो होगा। फिर हमने इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाया, इस एफबीडी में जितने भी फोर्सेस लग रहे नॉर्मल जो हमने पहले से रखे, वो सब सारे फोर्सेस को देंगे, तो ये सारे फोर्सेस को जो भी एंगल में फोर्सेस आ रहे उसको हम क्या कैसे कर देंगे, क्या करेंगे?
जो भी फोर्स एंगल पे लग रहा है उसका हम क्या करेंगे, नेट निकालेंगे। नहीं भाई, न्यूटन्स लॉ कैसे लगाते हैं, जो भी फोर्स जैसे इसके पास एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एसी है, इस डायरेक्शन में एटी है, और ये मान लो अंदर की तरफ है, इस डायरेक्शन में जीरो है, तो अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो हम क्या करेंगे इस फोर्स का, इस फोर्स को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, इस फोर्स का कंपोनेंट निकालेंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना उसका हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे। कंपोनेंट कितने लाइन के लंबाई का हमारा, तीन लाइन के अलोंग आएगा। फिर इस लाइन के अलोंग जितना भी कंपोनेंट आ रहा है इन सब का नेट निकालेंगे, कुछ फोर्स इधर आ रहा है कुछ फोर्स इधर आ रहा है, इन सब का नेट निकालेंगे। अब जब नेट निकालेंगे तो वन माइनस टू करेंगे कि टू माइनस वन करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे इस डायरेक्शन में तो वन माइनस टू करेंगे कि टू माइनस वन करेंगे, वन माइनस टू क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ना, तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, तो नेट फोर्स निकालेंगे तो वन माइनस टू करेंगे। अब ये जो नेट फोर्स आएगा ये किस के इक्वल होगा, m इंटू a के इक्वल, तो m तो m है, a कितना है v स्क्वायर बाय r, तो ये नेट फोर्स को किसके इक्वल कर देंगे, m v स्क्वायर बाय r के इक्वल। तो ये जो m v स्क्वायर बाय r है ये फोर्स है क्या, नहीं सर, ये जो है एफ नेट ये भी फोर्स नहीं है, ये सारे फोर्सेस का सम है, ठीक है, और सारे कौन से वाले, ये जो नेट फोर्स आ रही है सारे कौन से वाले फोर्सेस का सम है जो इस लाइन के अलोंग लग रहा है, और ये नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो ये भी फोर्स नहीं है, ये नेट फोर्सेस का सम है जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इसी फोर्स को ये जो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। वरना ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये बेसिकली हमने जो पुराना फोर्स पढ़ा ना वही सारे फोर्सेस है, उनका जो नेट आ रहा है टूवर्ड सेंटर उसको हम बस एक नया नाम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, बट ये कोई नया फोर्स नहीं है, ये बेसिकली हमारे पुराने फोर्स का रिजल्टेंट है जो टूवर्ड सेंटर आ रहा है। ठीक है, तो एफ सी क्या है हमारा, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, इसको हम नाम दे देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कोई नया फोर्स नहीं है, ये बेसिकली सारे फोर्सेस जो सेंटर की तरफ आ रहे हैं उसका जो रिजल्टेंट है उसको वही है, इसको एक नया नाम दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में निकालेंगे, और इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आएगा उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, एम एटी, एटी को अल्फा इनटू आर। अब ये जो फोर्स है इसको हम एक नया नाम बोल देंगे टेंजेंशियल फोर्स। अब ये टेंजेंशियल फोर्स भी कोई नया फोर्स नहीं है, ये बेसिकली हमारे पे फोर्स का अलोंग टेंजेंट रिलेटेड है। इसको हम नाम दे देंगे टेंजेंशियल फोर्स, सर वो भी सम ऑफ फोर्सेस है ना, वो नेट फोर्स ही है सारे फोर्सेस का सम है। तो ये तुम लोग बहुत कंसेप्चुअल मिस्टेक करते हो कि जब इसमें स्पीडी बनाते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हो एमवी स्क्वायर बाय आर,
ऐसा कुछ होता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स एम बी स्क्वायर पर लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर एम वी स्क्वायर बाय आर जैसा कोई फोर्स लगता है क्या? नहीं सर, नहीं लगता। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स जैसा कोई फोर्स लगता है? नहीं सर, नहीं लगता है। अब एक ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 3F, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 2F या फिर F, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर नहीं होता है, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? थ्री न्यूटन। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है? टू है। सेंटर की तरफ देखो, एक फोर्स ये लग रहा है सेंटर के टुवर्ड्स है, एक ये लग रहा है जो सेंटर से अवे है। तो नेट फोर्स लिखना है टुवर्ड सेंटर, तो दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना आ गया? 2F। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? 2F। और ये जो 2F वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये किसके इक्वल होगा? mv2। तो यही मैं सिखा रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से नया फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली हमारा जो पुराना फोर्स है ना, उसका नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स खुद एमवी स्क्वायर आर नहीं होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एमवी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे 2F है, एमवी स्क्वायर बाय आर नहीं है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स एमवी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा। सिमिलरली टेंजेंट के अलावा नेट फोर्स लेगा, उसको हम टेंजेंशियल फोर्स कहेंगे और वो MAT के इक्वल होगा। MAT टेंजेंशियल फोर्स MAT के इक्वल होगा। और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, अंदर बाहर के डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जितने भी लगेंगे, जैसे इस डायरेक्शन में F1 लग रहा है, इस डायरेक्शन में F2 लग रहा है, तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये दोनों फोर्स को क्या होना पड़ेगा? जीरो, इक्वल होना है, नेट फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा, ये दोनों फोर्स आउट होना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो, समझ में आया मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? फिर तुम लोग उल्टा सीधा करोगे बाद में। हाँ सर, समझा। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, समझा इसको। तो सर्कुलर में कर रहा है, एफबीडी बनाओगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाएंगे एफबीडी में? नहीं सर, नेट फोर्स दिखाएंगे। नहीं, नेट फोर्स भी हम तो जो हमें फोर्स दिखाते हैं वो सारे फोर्सेस दिखाएंगे। वो फोर्सेस अगर एंगल में लग रहा है तो उसका हम क्या कर लेंगे? कंपोनेंट निकालेंगे। इस लाइन के अलोंग देखेंगे क्या क्या फोर्स लग रहा है। इस लाइन के अलोंग फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, इस डायरेक्शन में भी लग सकता है,
इस डायरेक्शन में जो भी था उसको वन लिख देते हैं और इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है उसको मैं ऐसे टू नाम दे देता हूँ। तो इसका जब नेट फोर्स निकालोगे तो वो वन होगा कि टू होगा कि वन माइनस टू होगा? वन माइनस टू होगा। और ये जो हमारा नेट फोर्स आएगा ना इसी को हम क्या नाम बोलेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स। और इसको हम किसके इक्वल करेंगे? m into a के इक्वल करेंगे जो a हो जाएगा v स्क्वायर बाय r। ये जो नेट फोर्स है इसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं और ये mv स्क्वायर बाय r इक्वल होता है। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी फोर्स आएंगे, कुछ कंपोनेंट्स आएंगे। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ऊपर की तरफ जो आएगा उसको टू बोल देते हैं, नीचे की तरफ जो आएगा उसको फोर बोल देते हैं। अब फिर से इस डायरेक्शन का नेट फोर्स निकालेंगे तो थ्री माइनस फोर करेंगे कि फोर माइनस थ्री करेंगे? थ्री माइनस फोर करेंगे सर। और इसको किसके इक्वल कर देंगे? इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? टेंजेंशियल फोर्स। और इसको किसके इक्वल करेंगे? एम इंटू एटी के, जो कि अल्फा एटी। और फिर कुछ फोर्स बाहर की तरफ भी लगेगा, कुछ फोर्स अंदर की तरफ भी लगेगा। बाहर की तरफ जो लगा उसको फाइव बोल देता है, अंदर की तरफ जो लगा उसको सिक्स बोल देते हैं। अब अंदर बाहर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये फाइव इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग, क्या कर देंगे हम? इक्वल कर देंगे। और ये जो भी कर रहे हैं ये बेसिकली न्यूटन्स लॉ है कि नहीं? हाँ सर। तो कुछ नया सीखा है हमने इस टॉपिक में। अभी जो पढ़ा इसमें हमने कुछ भी नया सीखा कि भी नॉर्मल न्यूटन्स लॉ है, वही नॉर्मल फोर्स है? कोई नया फोर्स आया, कुछ नया चीज आया कि न्यूटन्स लॉ ही है? न्यूटन्स लॉ ही है सर। अभी क्वेश्चन ट्राई करो। ये टेबल है, ये टेबल का टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं हम इस टेबल को। इस टेबल ये स्ट्रिंग के थ्रू, ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड है, स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया और ब्लॉक को सर्कुलर मोशन कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से। अब ये कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस ब्लॉक के एफबीडी में क्या क्या फोर्स आएगा बताओ? नॉर्मल टेंशन एमजी। नॉर्मल टेंशन जी। टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड, मतलब रेडियली इनसाइड। राइट, रेडियली इनसाइड नहीं, राइट लेफ्ट की तरफ जाएगा। अंदर बाहर कैसे? नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की साइड पे लगेगा। ऊपर बोलोगे तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये ऊपर होता है डॉट डॉट से डॉट बाहर ऊपर। हाँ पर। और mg के डायरेक्ट में लगेगा? क्रॉस डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ऊपर बोलोगे तो मैं ऐसे कहूंगा ये डाउन होता है। इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये अप होता है, ये डाउन होता है, ये इन होता है और ये आउट होता है। ठीक है, तो उल्टा सीधा मत बोला करो। mg इनवर्ड है तो ये तीन के अलावा कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? ये तीन फोर्स के अलावा कोई फोर्स लग रहा है? नहीं नहीं सर।
अब इसका एक्सलेशन देखते हैं. अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास दो एक्सलेशन होगा, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल. सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा वी स्क्वायर बाय आर. टेंजेंशियल एक्सलेशन इस डायरेक्शन में होगा और कॉन्स्टेंट स्पीड से कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन कितना होगा. R अल्फा कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है. टेंजेंशियल एक्सलेशन dv बाय dt होता है, यहां पे स्पीड होता है ये और ये स्पीड कांस्टेंट है. टेंजेंशियल एक्सलेशन कितना होगा? जीरो होगा ना कांस्टेंट. और अंदर बाहर इसका एक्सलेशन कितना है? ये ब्लॉक अंदर बाहर कहीं भी जा रहा है कि यही इस प्लेन में घूम रहा है, तो उसके अंदर बाहर इसका एक्सलेशन कितना है? जीरो. जीरो है. अब हम लोग न्यूटन्स लॉ लगाएंगे इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? कितने नंबर एक लग रहा है वो क्या लग रहा है? टेंशन. सिर्फ ये फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सलेशन कौन सा है? सिर्फ ये है. तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कितना आ रहा है इस फिगर? नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कितना है? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर टेंशन टी. हाँ. और ये नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर आ रहा है ये किसके इक्वल होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर. तो यहां से हमारा टेंशन गया. और अंदर बाहर इसका इसके पास एक्सलेशन है? ऑब्वियसली नहीं है. अंदर बाहर डायरेक्शन में क्या क्या कुछ लग रहा है? अंदर की तरफ एम जी लग रहा है और बाहर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक्सलेशन नहीं है. एक्सलेशन नहीं है तो फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा. फोर्स को बैलेंस होने के लिए बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है और अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको इक्वल होना पड़ेगा. तो बैलेंस करेंगे तो एन कितना आएगा? इक्वल टू एम जी. यही था कि टेंशन बताना था और नॉर्मल बताना था. ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन था बट मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ. कंसेप्ट सीखो, कैसे निकाला, क्यों किया, ऐसे क्यों, ऐसे वैसे क्यों नहीं किया, हर चीज को समझ के करो. किसी को कोई डाउट है पूछ लो. समझ में आया? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये विजुलाइज करना पड़ेगा आप लोगों को. ये एक टेबल है और इसके ऊपर ना ये एक सिलेंडर रखा हुआ है. हॉलो सिलेंडर विजुलाइज करो. ये टेबल है, इसके ऊपर यहाँ पे एक सिलेंडर है, हॉलो है. ऑब्वियसली सिलेंडर सर्कल नहीं होता है, वो ऐसे ब्लॉक. और यहां पे अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है. इस सिलेंडर का रेडियस आर दिया हुआ है और ये टेबल है और ये इसका टॉप व्यू है. ये फिर से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है वी वेलोसिटी से. अ
फिर से बताओ, हम लोग इस सिस्टम बनाएंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे, तो क्या क्या फोर्स लगता है? एन टेबल, एन सिलेंडर और एमजी। सिलेंडर का नॉर्मल एक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है? राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर? लेफ्ट। ये सिलेंडर पे नॉर्मल लगा रहा है। एमजी किस डायरेक्शन में लग रहा है? इन, इनवर्ट। और टेबल का नॉर्मल एक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है? आउट। और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। अब ये UCM कर रहा है तो इसके पास सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके पास एक्सेलेरेशन होगा, एक तो टुवर्ड्स सेंटर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, जो कि v स्क्वायर बाय r के इक्वल होगा, और एक अलोंग टेंजेंट होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। अब क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना होगा? जीरो। जीरो होगा। जीरो। अंदर बाहर मूव नहीं कर रहा है, तो अंदर बाहर इसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा। अब हम लोग न्यूटन लॉ लगाएंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहा है इस पे? इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा है? तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना है? N1। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है यहाँ पे? नेट फोर्स टू सेंटर आता है, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये एन वन किसके इक्वल हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर के, क्योंकि नेट सेंटर एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल होता है। अब हम इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ इस डायरेक्शन में लगाएंगे, बट इस डायरेक्शन में कुछ भी फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर? नहीं सर। इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा सर। फोर्स भी नहीं लग रहा, एक्सेलेरेशन भी नहीं है, तो कोई न्यूटन्स लॉ नहीं लगाएंगे। इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है अंदर बाहर? मतलब N2 लग रहा है और MG लग रहा है, और इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन जीरो है, मतलब नहीं है। अब एक्सेलेरेशन नहीं है तो फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा, मतलब जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको इक्वल होना पड़ेगा। यहां से हमारा N2 कितना? MG के इक्वल। तो ये हो गया सॉल्व। इसे समझो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हुआ विभूति? N1 है कि ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल वॉल है, मतलब ये ऐसे बड़ा सिलेंडर है, और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो सिलेंडर का वॉल ना ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन है N1 है। और नीचे का जो ग्राउंड है वो भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन N2 है।
सर जो ब्लॉक का सिलेंडर पे नॉर्मल लगा वो इंटरनल फोर्स इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया ना। सिस्टम कौन है भैया तुम लोग, मैं क्या पढ़ा रहा, तुम लोग कहाँ पे अटके हुए हो? सिस्टम कौन है, सिलेंडर है कि ब्लॉक है? ब्लॉक है सर। अच्छा समझा। तो एमबीट में हम कौन सा फोर्स दिखाएंगे बता दो फिर भी। एक्सटर्नल फोर्सेस जो किस पे लग रहा है? सिलेंडर ब्लॉक पे लग रहा है एनवन। अच्छा समझ गया। तो फिर ये न्यूटन्स लॉ का बेसिक कंसेप्ट है, वो इन लोगों को क्लियर नहीं है तो मैं कैसे तुम लोग को आगे का बताऊं? कंसेप्ट क्लियर करो, जब मैं कोई कंसेप्ट सिखा रहा हूं तो कंसेप्ट में ध्यान दो। चलो अब ये ना, ये जो ऐसे ड्रॉ किया हुआ है ये एक टेबल है, ये पूरा का पूरा एक टेबल है। ये टेबल का टॉप व्यू है, ये टेबल को हम लोग सेंटर के अबाउट घुमा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ये टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का एक्स डिस्टेंस पे सेंटर से। तो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझो, ये टेबल है, टेबल घूम रहा है, टॉप व्यू है, इसमें अंदर एक ब्लॉक है एक्स डिस्टेंस पे सेंटर से। ये ब्लॉक रेस्ट पे है कि टेबल के साथ घूम रहा है? अरे आंसर करो, आंसर ही नहीं करोगे तो कैसे कुछ समझ में आएगा तुम लोगों को? क्या क्या पूछा आपने अभी? ये ब्लॉक रेस्ट पे है कि टेबल के साथ साथ घूम रहा है? फ्रिक्शन नहीं है। चलो मैं बोलता हूँ ये ब्लॉक टेबल के साथ साथ घूम रहा है, ये टेबल घूम रहा है तो साथ साथ ब्लॉक भी घूम रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मैंने बोल दिया। अच्छा तो फिर ये ब्लॉक, तो ये ब्लॉक रेस्ट पे के सर्कुलर मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है सर। अब तो उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? तो एक्सेलरेशन होगा एक टुवर्ड्स सेंटर, एक अराउंड टेंजेंट। टुवर्ड्स सेंटर वाला एक्सेलरेशन कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अलोंग टेंजेंट वाला एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। अब इसका हम लोग एफबीडी बना लेंगे। इस ब्लॉक की एफबीडी में क्या क्या फोर्स लग रहा है? ये तो सिर्फ डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ये रस्सी नहीं है। इस ब्लॉक की एफबीडी में क्या फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन और नॉर्मल लगेगा बस। इस ब्लॉक की एफबीडी में क्या क्या फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन और नॉर्मल और एम जी। एम जी किस डायरेक्शन में लगेगा? अंदर की तरफ। नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा? ऐसे। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? वन के अलोंग, टू के अलोंग या थ्री के अलोंग? थ्री के अलोंग। एक टू के अलोंग लगेगा ना, दोनों साइड पे लगेगा। अब टू के अलोंग अगर फ्रिक्शन लग जाए ना तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? फ्रिक्शन अगर टू के अलोंग लग गया तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? हाँ आएगा। अच्छा उसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है। और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या? नहीं 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 है, तो सिर्फ थ्री के अलोंग लगेगा। हाँ तो फ्रिक्शन कोई कोई क्वेश्चन में ऐसे भी लगता है, कोई कोई क्वेश्चन में ऐसे भी लगता है क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है तो फिर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का जरूरत है तो फिर वो ऐसे रिजल्टेंट में लग जाता है। बट यहाँ पे ना फ्रिक्शन ऐसे नहीं लग सकता है क्योंकि फ्रिक्शन अगर ऐसे लग गया तो उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इस डायरेक्शन में इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं है और इस डायरेक्शन में एक्शन भी नहीं है तो इस डायरेक्शन में सिर्फ यही नेट फोर्स है। इसको इक्वल करेंगे तो ए जीरो है तो ये फोर्स को भी जीरो होना पड़ेगा, मतलब फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट जीरो है तो फ्रिक्शन को ऐसे ही लगना पड़ेगा।
यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, ये जो फ्रिक्शन लगेगा ये स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? स्टैटिक। तो ये न्यू एन के इक्वल होगा कि नहीं होगा? मतलब न्यू एन के इक्वल होगा कि न्यू एन लेस देन इक्वल होगा? लेस देन इक्वल होगा। उसको डायरेक्टली म्यू एन नहीं लिख सकते हैं? नहीं। तो यहां तक समझ में आया? हाँ सर। ये क्या है, इसका एमबीडी बन रहा है, एमजी लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन यहाँ पे टुवर्ड सेंटर ही लगेगा, ऐसे टेढ़ा नहीं लग सकता, क्योंकि उसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा तो एक्शन आ जाएगा, बट एक्शन नहीं है तो फोर्स भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो उसको मैं म्यू एन नहीं लिख सकता हूँ। ये तीन फोर्स आएगा और ये दो एक्सलेशन आएगा। अब मैं न्यूटन्स लॉ लगा दूंगा, यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या लग रहा है? सिर्फ एफ, उसको एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होना पड़ेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होना पड़ेगा। फिर अंदर बाहर न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा, तो अंदर बाहर कोई एक्सलेशन नहीं है, तो अंदर बाहर फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा, तो नॉर्मल को एम जी के इक्वल होना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि तुम लोगों को इस टर्न टेबल का म्यू का मिनिमम वैल्यू बताना है ताकि ब्लॉक्स स्लाइड हो रहा होगा, स्लाइड नहीं, तो उसका आंसर बताओ क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट ब्लॉक डजंट स्लाइड, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी ना? ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी होगा ना, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। हाँ, कैसे करेंगे? ये जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये म्यू एन के इक्वल नहीं होगा, ये म्यू एन से या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो लेस देन इक्वल म्यू इनटू एन, एन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एमजी। तो यहां से हमारा आ रहा है कि म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। सो म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, ये म्यू का मिनिमम वैल्यू आ गया। किसी को कोई भी डाउट है? नेक्स्ट सर, एक मिनट पिछला पेज ही करो। नेक्स्ट ब्लॉक टेंड टू मूव नहीं है, ब्लॉक ये भी मूव मतलब टेंडिंग टू मूव, हाँ टेंडिंग टू मूव, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ओके सर। विभूति तो क्या पूछना चाह रहे हो? वहां स्टैटिक ही लगेगा क्योंकि ब्लॉक तो मूव कर रहा है ना। हाँ वापस बोलो। मतलब सर स्टैटिक कैसे लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन? अरे मैं आवाज कट रहा हूँ, एक बार वापस रिपीट करो ना। सर वो पूछ रहा है स्टैटिक क्यों लगेगा ऐसा? स्टैटिक क्यों लगेगा? यहाँ पे ब्लॉक तो मूव कर रहा, अच्छी बात है, बट ब्लॉक और टेबल के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? ब्लॉक और टेबल के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या?
नहीं हो रहा है, जब रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। नेक्स्ट है कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम थोड़ा सा आइडिया होगा तुम लोगों को रफली। कोनिकल पेंडुलम कैसा होता है? कोनिकल पेंडुलम में ऐसे एक रस्सी होता है, एक ब्लॉक्ड होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है। ये सर्कल ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब इसका पेंडुलम है ये, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लॉक ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। इस कोनिकल पेंडुलम का सिर्फ मैंने एक डेटा दे रखा है, एक डेटा दे रखा है कि ये वाला जो हाइट है ना यहां से लेके यहां तक का, ये हाइट h है, और कोई डेटा नहीं गिवन है, इसका मास नहीं गिवन है, रेडियस नहीं गिवन है, एंगल नहीं गिवन है, कुछ नहीं गिवन है। तो ना हमें इस कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का मतलब एक पूरा सर्कल करने में कितना टाइम लग रहा है, और ये यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा ये निकालना, ठीक है। ये तुम लोग एज अ होमवर्क कर लो, क्योंकि लेक्चर टाइम हो गया अभी, ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क कर लो। जितना मैंने कंसेप्ट सिखाया है उसको समझ समझ के अप्लाई करोगे तो आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और होमवर्क करोगे? सर आप सर्कुलर मोशन का ही एक थोड़ा सा दे दीजिए। पार्ट वन सर्कुलर मोशन का एक्सरसाइज वन का सेक्शन ए बी सी, ये तीन कर लेना। और सबको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये लेक्चर